तो दोस्तों, क्या आप लोगों के पास भी ओप्पो A16 मोबाइल है और आप इसमें फ्री फायर खेलते हैं और आपके हेडशॉट नहीं लगते? और दोस्तों, आप लोग हेडशॉट मारना चाहते हैं लेकिन आप अगर ड्रैग भी करते हैं तो आपके हेडशॉट नहीं लगते? और दोस्तों, अगर आप लोग भी इंटरेस्टिंग है DPI में दोस्तों, और अगर आप अपने मोबाइल में यूज़ करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि दोस्तों DPI यूज़ करें लेकिन आपको मोबाइल ख़राब ना हो, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, वीडियो में मैं आगे चल के आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे अगर आप अपनी DPI को हाई करेंगे तो आपको मोबाइल भी ख़राब नहीं होगा और आपके हेडशॉट बहुत ही OP वाले लगेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना है। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद दोस्तों, आपने सेटिंग वाले ऑप्शन में आ जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों, आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं, इधर से इधर आते हैं, डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों, नीचे जाते हैं, इधर से ढूंढते हैं स्मॉलेस्ट विथ को। तो दोस्तों, ये आ गया है। इधर मेरी DPI है 260, ये ओरिजिनल DPI है, मैंने कोई हाई नहीं की, कोई लो नहीं की। तो दोस्तों, आपने इधर से हाई नहीं करनी। इधर से अगर आप हाई करेंगे DPI को तो आपको मोबाइल बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, आगे मैं जाके बताने वाला हूँ कि आपने DPI को किधर से हाई करना है। तो दोस्तों, आपने इधर से कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद दोस्तों, आपने बैक आ जाना है। फिर दोबारा दोस्तों, आपने सेटिंग वाले ऑप्शन में आ जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों, इधर आके आपने लिखना है सर्च वाले ऑप्शन में डिस्प्ले साइज़। जिस तरह के मैं टाइप कर रहा हूँ दोस्तों डिस्प्ले साइज़, तो नीचे एक ऑप्शन आ गया है डिस्प्ले साइज़ के नाम से। तो दोस्तों, इधर डिफ़ॉल्ट वो हो गया, इसको आपने स्माल कर देना है दोस्तों। तो मैंने स्माल कर दिया है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन थोड़ी सी छोटी हो गई, मतलब उसके ऊपर जो टेक्स्ट था वो थोड़ा सा छोटा हो गया है। तो दोस्तों, अभी मैं जाके आपको DPI भी बता देता हूँ। दोस्तों, इधर से हम जाते हैं एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में आने के बाद दोस्तों, इधर डेवलपर ऑप्शन में जाते हैं और इधर आ जाते हैं दोस्तों स्मॉलेस्ट विथ के ऊपर। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मेरी ओरिजिनल DPI थी जो, तो वो 360 थी, अभी 423 हो गई है। तो ये ऑटोमेटिकली दोस्तों बढ़ जाती है, इससे मोबाइल भी ख़राब नहीं होता और आपके हेडशॉट बहुत ही कमाल लगते हैं। तो दोस्तों, आपने इधर से हाई करनी है दोस्तों, तो आपको मोबाइल भी ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।